लेकिन मैं त्रेता की बात कर रहा हूँ, कलयुग की बात, ऐसे कुछ ही लोग हुआ करते हैं। लेकिन बोलो, सम्मान का भाव रहता है कि नहीं रहता है इनके प्रति? सम्मान का भाव रहता है। इसलिए मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनना। भगवान शंकर के साथ सती जी जा रही हैं, शंकर जी श्रद्धा लेकर जा रहे हैं, सती संशय लेकर जा रही हैं, लेकिन फिर भी आप देखो, तुलसीदास जी का दृष्टिकोण, महात्माओं का दृष्टिकोण, ग्रंथ ने अभिवादन किया है सती का। प्रमाण क्या है कि सती का अभिवादन किया है? गोस्वामी जी कहते, संग सती, संग सती, जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। अच्छा, सती जी का परिचय दिया तो संग कौन है? सती। लेकिन सती ही नहीं है, फिर जग जननी और फिर भवानी, विशेषण। बोलो, सम्मान है कि नहीं? अच्छा, फिर साथ में कौन जा रहा है? तो तुलसीदास जी बोले, शंभु। तो शंभु किसके साथ? बोले, जग जननी भवा। गजब की बात है। बोलो, बालकांड का प्रमाण है कि नहीं? किस कांड का प्रमाण है? बोलो, बालकांड का प्रमाण है। अच्छा, ये कथा मैं मनमुखीपन से कह रहा हूं कि रामायण में भी लिखा है? रामायण में लिखा है। अगर संशय हो तो घर में जाके पढ़ लेना, यही चौपाइयां हैं और बालकांड की हैं, और राम कथा की परंपरा में पहले दिन का प्रसंग ही ये आता है। पहले दिन का प्रसंग यही आता है, सती चरित्र, शिव सती चरित्र आता है कि नहीं आता है? और ये जो चौपाइयां हैं ये बिल्कुल सत्य हैं, पढ़ते हो आप, संग सती जग जननी भवानी। अच्छा भैया, शंभु जा रहे हैं और साथ में जग जननी भवानी, आदर किसको ज्यादा मिल रहा है? आदर मिल रहा है सती को। बोलो, मिल रहा है कि नहीं? अब सुनते जाओ, सती जी ने एक बात कह दी शंकर भगवान से, कहा, स्वामी स्वामी सुनो सुनो। क्या? आश्रम सामने दिखाई दे रहा है, लिखा है कुंभज आश्रम, लेकिन मेरा जहां तक ख्याल है, आप जैसे ही प्रवेश करोगे तो कथा कहने वाला कथावाचक भूल जाएगा कथा कहना। क्यों? साक्षात महादेव आ गए हो, हिम्मत कैसे पड़ेगी कथा कहने की? भगवान शंकर ने कहा कि सती, एक बात सुनो, कथा व्यास मंच पर कथावाचक कथा नहीं कहता है, फिर कथा कहलवाने वाला तो उसके हृदय के अंदर बैठा होता है। बोलो, बैठा होता है कि नहीं बैठा होता है? अच्छा, व्यास पीठ पर जो बैठ जाता है, हाड़ मांस का पुतला जरूर होता है, लेकिन जैसे ही व्यास पीठ पर बैठता है, वैसे ही भगवान का दर्शन होने लगता है कि आज हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं। बोलो, यही भाव आ जाता है कि नहीं आ जाता है? किसका दर्शन हो रहा है? भगवान का दर्शन हो रहा है। भाव बदल जाता है, पुतला तो हाड़ मांस का है, लेकिन व्यास आसन पर बैठा तो क्या भाव बन गया? भगवान। अच्छा, ये मूर्तियां बैठी हैं, बोलो कौन सा भाव बना हुआ है आपका? बता दो जरा, भगवान बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? भगवान बैठे हैं, ये भाव बना है, यही तो भाव। भावस भगवान सुख निदान करुणायन, तज ममता मदमान भजिए सदा सीता रमन, जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये भाव की बात है। बोलो, है कि नहीं? आज कोई पिता भी बैठा होगा, उसका भी सिर श्रद्धा से झुक गया होगा। क्यों? वो पुत्र नहीं मान रहा है, वो परमात्मा मान रहा है। बोलो, मान रहा है कि नहीं? हम भी कोई राजकुमार या किसी के बालक नहीं मान रहे, हम भी भगवान मान रहे हैं, तभी तो हमने अभिवादन किया। बोलो, किया कि नहीं किया? ये भाव की बात है। तो भगवान शंकर ने कहा, सती, ये भाव की बात है, जब मैं प्रवेश करूंगा तो मेरे मन में भी कुंभज के प्रति श्रद्धा होगी। क्या होगी? श्रद्धा होगी। और जब मेरे मन में श्रद्धा होगी
तो निश्चित रूप से कथा कहने वाले में भगवदीय गुण होंगे, और भगवदीय गुण जिसके अंदर होते हैं वो कभी भी भय से युक्त नहीं होता है, वो भय से मुक्त होता है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि भय आ जाएगा मुझे देख करके, मुझे देखकर भय आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सती जी ने कहा देखो हम परिणाम बताते हैं, आप पहले चलो, बात कर रहे हो, चलो देखते हैं परिणाम आएगा सामने। और जैसे ही प्रवेश किया उसी समय व्यास मंच पर बैठे श्री कुंभज ऋषि भगवान शंकर को देख करके कहने लगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। संत जितने थे सब हर हर महादेव करने लगे। सती जी ने कहा मैंने क्या कहा था, मैंने क्या कहा था, आपकी जय जयकार होने लगी कि नहीं होने लगी, आपकी जय जयकार होने लगी। भगवान शंकर ने कहा धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो सती, ठीक है, ये संत का स्वभाव है। ये क्या है, संत का स्वभाव है सम्मान देना। बोलो सम्मान देना। अभी कोई संत महापुरुष आ जाए तो हम यही कहेंगे आइए आइए, बोलिए संत भगवान की जय। बोलो कहेंगे कि नहीं कहेंगे, बोलिए संत भगवान की जय, आइए पधारिए संत भगवान, ये श्रेष्ठ आसन है, बिराजिए आपका स्वागत है। बोलो कहेंगे कि नहीं कहेंगे, यही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बाप। तो भगवान शंकर ने कहा कि वो उन्होंने जो मेरा आवाहन किया है ये वो संत हैं, सरल हृदय के हैं, शंका मत करो, शंका करने की जरूरत नहीं है। भगवान शंकर ने जैसे इस बात को कहा तो सती जी ने कहा चलिए चलिए ठीक है आगे देखती हूँ। और जैसे ही भगवान शंकर और आगे बढ़े तो कुंभज ऋषि ने कहा महाराज आइए विराजिए, कह सुनो मैं कथा सुनने आया हूँ, सम्मान लेने नहीं आया, आप तो मुझे कथा सुनाइए, ये सम्मान देने वाली बात नहीं। देखो कितनी बड़ी बात है, कथा में सम्मान लेके नहीं आना चाहिए, क्या लेके आना चाहिए, श्रद्धा। मैं पहले ही कह चुका हूं, बोलो कह चुका हूं कि नहीं, जितने भी लोग यहां बैठे हैं या जो भी आएंगे वो सम्मान लेकर नहीं आएंगे, क्या लेके आएंगे, श्रद्धा लेके आएंगे। भगवान शंकर क्या लेके प्रवेश किए हैं, बोलो श्रद्धा लेके प्रवेश किए। सम्मान जैसे ही मिलने लगा तो भगवान शंकर ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो श्रद्धा लेके आया हूं, मुझे कथा सुननी है, आप कथा सुनो। कुंभज ऋषि ने कहा कि कौन सी कथा सुनना है, आप कृपा करके बताएं। तो भगवान शंकर ने कहा कि मुझे राम कथा सुननी है। क्या सुननी है, राम कथा। इसलिए सबसे ज्यादा राम कथा के श्रोता मिलते हैं आपको, मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, क्योंकि राम कथा के प्रति तो भगवान शंकर को आकर्षण, राम कथा के प्रति हनुमान जी को आकर्षण, और देवता तो बहुत हैं, लेकिन ईमानदारी से बताओ ऐसा कोई गांव बता दो जिस गांव में शंकर जी और हनुमान जी ना हो, बता दो ऐसा कोई गांव बताओ जिसमें शंकर जी और हनुमान जी ना हो, भले ही छोटे बड़े रूप में, किसी ना किसी रूप में, बोलो है कि नहीं। तो देव बहुत हैं, लेकिन महादेव जी का हर गांव में स्थान मिलेगा, लेकिन महादेव जी सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं, बोले प्रभु राम से करते हैं। वो सुनते क्या हैं, बोले राम कथा सुनते हैं, यही उनकी विशेषता है, प्रेम राम से करते हैं और सुनते क्या हैं, बोले राम कथा सुनते हैं। अच्छा राम कथा की जिज्ञासा प्रकट की तो राम कथा के लिए जैसे कहा तो राम कथा सुनाने लगे कुंभज ऋषि। प्रमाण क्या है, बोले राम कथा राम कथा मुनिवर बखानी ओ सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनिवर्य बखानी, राम कथा, राम कथा इतने प्रेम से वर्णन किया भगवान शंकर ने सुना। और वर्णन करने वाले कौन हैं, बोले अगस्त जी महाराज, कुंभज ऋषि, वही अगस्त कुंभज। अच्छा जब सुने तो प्रमाण क्या मिला, बोले दो एक ही साथ गए थे सुनने के लिए, भगवान शंकर और सती, और दोनों ही बैठ गए, लेकिन बैठे हैं, लेकिन प्रमाण पत्र श्रोता वाला किसको मिला, जल्दी बोलो,
प्रमाण पत्र श्रोता वाला, देखो सुनने के लिए बहुत आवे, कथा में बहुत आ जाए, लेकिन जो सुने वही असली श्रोता है कि नहीं? जो कथा सुनता है वो असली श्रोता माना जाता है। केवल हम कथा में पहुंच गए और सबने मुझे देख लिया कि हम गए थे, हमारा फोटोग्राफी हो गया और प्रमाण मिल जाएगा कि देखो मैं गया था। नहीं, गलत। कथा स्थल पर पहुंचना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कथा स्थल पर पहुंचकर श्रद्धान्वित होकर बैठकर कथा सुनना, ये असली प्रमाण पत्र है, यही असली श्रोता के लक्षण है। इसलिए फॉर्मेलिटी नहीं होना चाहिए, ओरिजिनलिटी होना चाहिए। समझ में आई बात? की क्या होना चाहिए? ओरिजिनलिटी होना चाहिए। माताओं, तुम्हारे मन में भी यही भाव होना चाहिए कि मुझे कथा सुनना है। और कथा अगर तुमने मन से सुन ली तो जितने प्रकार की समस्याएं होंगी वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपका उस शब्द से नहीं होंगी, कोई उपाय बताओ ऐसा कथा में कि दूर हो जाए, समस्याएं दूर हो जाए। तो राम कथा सुनने से राम की शरण प्राप्त होती है। और सुखी मीन जय नीर अगाधा और जिम हरि शरण न एकौ बाधा। बोलो प्रमाण मिल गया कि नहीं? जिम हरि शरण न एकौ बाधा। तो प्रमाण दे दिया माताओं कि नहीं दे दिया? राम की कथा सुनो तो राम की शरण प्राप्त होगी। कथा सुनने वाले को ही राम जी अपने पास बिठाते हैं, अधिकार देते हैं। और जो कथा नहीं सुनता है जीवन में, उसको भगवान अपने यहाँ कोई बैठने की गुंजाइश नहीं देते, कहीं कोई स्थान नहीं। इसलिए कहा जाता है कि वाणी से भजन करो और कानों से क्या करो? बोले कथा।